लाल बाजार के ठीक ऑपोजिट में। पालक पनीर है, वेज हो गया, चना मुट्ठा है, कश्मीरी आलू दम। ये उसे ऑफिस पाड़ा भी कहते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक ढाबा है, इसका नाम मिशन ढाबा है। कब से है ये शॉप? ये आपका 89 से है। तो यहाँ पे मेनली वेजिटेरियन ही है सर? टोटल पूरा वेजिटेरियन है। और ये कैसे आप प्लेट कैसे कितना में देते हो? प्लेट आपका 42 रुपीज का। कोई भी सब्जी? कोई भी सब्जी। जो रोटी है ना यहाँ, रोटी में दाल वाला पिज्जा, बटर नान, राइस, बटर नान है, मिस्सी रोटी है, लच्छा पराठा है। मिस्सी रोटी कितने का है? 20 रुपीज। तो एक मिस्सी रोटी दे दीजिए और एक बटर नान दे दीजिए और ये हाफ हाफ कर। ये पालक पनीर है, ये रायता है, ये मिक्स वेज है, ये सारे हाफ है, ये दाल मखनी हो गया, ये बटर नान 20 रुपीज का, ये फ्राई राइस। ये कितना है प्लेट? 30 रुपया खाने का है, उसका साथ में सब्जी लीजिए तो पैसा। अच्छा 30 रुपीज का, 30 रुपया काफी खिला खिला दी है। ये क्या जल गया क्या? मिस्सी रोटी। अच्छा पालक पनीर ये 18 रुपए का है, यानी बिलीव इस 18 रुपए में आपको ऐसा नहीं है कि पनीर भी यहाँ पे दिया हुआ, देखिए 3-4 पनीर के टुकड़े आपको दे सकते हैं। ये है मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता ये छेने का या फिर आप पनीर का जो उसको बना के बनाया जाता है, और ये ग्रेवी भी काफी रिच है, और ये दाल मखनी है शायद, और ये है रायता, और ये मिक्स वेज। इसी रोटी है ये, ये भी 20 रुपए की है, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। पालक पनीर से टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। कोफ्ता ट्राई करते हैं, थोड़ा सा मीठा मीठा है इसमें। जितना भी मैंने अभी तक टेस्ट किया ना, रेस्टोरेंट में जाएंगे ये आपको काफी एक्सपेंसिव मिलेगा। आपको ऑथेंटिक जो फ्लेवर है ना वो आपको स्ट्रीट फूड में ही मिलता है। हालांकि ये खाना तो आपको लंच टाइम का ही है, और ये रायता है, इसमें खीरा है, धनिया है, प्याज है, टमाटर है, मिक्स है। ऑफिस वाला भी कहते हैं चांदनी चौक के मेट्रो से सीधा आ जाएगा, और लाल बाजार है उसके ठीक ऑपोजिट है। मैं जो डिटेल एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से दिखा सकते हैं। कुलचा है, मसाला कुलचा, मसाला कुलचा। ये बटर लगाया जा रहा है या क्या? घी लगाना, घी, ये अमूल बटर ही है ना? अमूल सिंह है ना? ये चिली फ्लेक्स डाला क्या? हाँ, और एक मिनट डाल रहे। चीज कुलचा है, इसके अंदर की स्टफिंग दिखा रहे, अंदर की स्टफिंग। बटर का चीज तो काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। बहुत बढ़िया खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, स्ट्रीट साइड ढाबा भी एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। बैठने का उस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन खाने का अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो खाना काफी अच्छा है, तो मैं इसको जरूर रिकमेंड करूंगी। आप लोग जरूर बात एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।